इस फिल्म का क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और मेरी पहली फिल्म थी यहाँ के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उषा के साथ सलमान खान, मैंने काफ़ी बड़े बड़े डायरेक्टर को असिस्ट किया है और मैं इंडिपेंडेंट 2012 में मैं लॉन्च हुआ डायरेक्टर। इस फिल्म में मैं मुकेश जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रोड्यूसर से मिल के मुझे लगा कि मुकेश की पहली फिल्म है और मुकेश को मैं हर तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने अच्छे हैं कि जहाँ भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो ना नहीं भूलते। सुना है इसमें एक गाना भी लिखा आपने, किस तरह का गाना है? उसकी लाइन क्या है कि मेलोडी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक लाइन सुना दीजिए। तू ही मेरी यार जू, तू ही मेरी जुस्तजू, चाहत है मेरी यही तू रहे उम्र भर साथ ही, तू मेरे मैं तेरे कीना। सॉरी टाइटल सॉन्ग है। शामिल जी, आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ में काम किया है, बड़े बड़े फिल्मों में काम किया है, ये फिल्म आपको किस स्टैंडर्ड की, किस लेवल की लगती है? सर ये फुल टू कॉमर्शियल मसाला फिल्म है जो दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। ये कस्टम ड्रामा है, जंगल की कहानी है, अलग जोनर है और इसमें डिफरेंट सारे लोकेशंस डिफरेंट्स हैं और काफ़ी अच्छी मूवी है सर। दो अलग अलग कबीलों को दिखाया गया है जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं और जिसको लीड कर रहा है क्रीना यानी कि पार्थ चौहान। इस पिक्चर के जितने भी मेन कैरेक्टर है सारे के सारे ए टू जेड, सारे के सारे स्मॉल स्क्रीन से लेकर बिग स्क्रीन पे जंप मर रहे हैं, तो टीवी के सारे एक्टर को लेने की कोई खास वजह? सर ये कलाकार हमारे कैरेक्टर में बिल्कुल फिट, जिनको हमने कास्ट किया है बड़ा सोच समझ के कास्ट किया है क्योंकि बहुत सारे चुनिंदा कलाकारों को हम लोगों ने चुना, सेलेक्ट किया, मिला, देखा, फिर हमें लगा कि ये हमारे कैरेक्टर में पूरी तरह से फिट है, इसीलिए कैरेक्टर को बहुत कुछ सोच समझ के हम लोगों ने किया। Thank you.